बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्तों ने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, जिसमें ये ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें 14,000 रुपये का मैसेज तो मौसूल हो चुका है और हम उस मैसेज को किस तरह किस जगह पर दिखाकर हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल कर सकते हैं। और काफ़ी दोस्तों को तो ये वाला भी मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम किस तरह रजिस्ट्रेशन फार्म रिसीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2,000 रुपये के प्रोग्राम के हवाले से भी काफ़ी सारे सवाल सामने आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है 2,000 रुपए का जो प्रोग्राम है उसमें हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के चंद मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ जिन दोस्तों को अभी तक जांच पड़ताल का ही मैसेज आ रहा है, उन दोस्तों ने कौन सा ऐसा काम करना है, उनको किस तरह हुकूमत की जिन से इमदाद दी जाएगी, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना। तो चलेगा इस वीडियो के अंदर, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन कोड रिसीव नहीं हुआ है तो आपने काम क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आपको इस एप्लीकेशन को एक और तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है वो आपको कभी कभार नहीं भी मिलता, कभी कभार वो लिंक नहीं भी वर्क करता। तो आपने काम क्या करना, आपने अभी गूगल पर चला जाए, वहां पर एक वेबसाइट को सर्च करना है टॉप न्यूज प्रो, यहां पर आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, स्पेलिंग नोट करके आपने इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप गलती किस जगह पर करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आप आर्टिकल पर, इस आर्टिकल पर आए, आने के बाद यहां से आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इस ऐड को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने उस एप्लीकेशन का नाम चेक कर लेना है, ठीक है, जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं उस एप्लीकेशन का आप नाम देख रहे हैं, और यहां से आपने डाउनलोड को टाइप करके आपने एप्लीकेशन को इजिली आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने 8171 पर पहले एसएमएस सेंड किया हुआ है और आपको यह कहा जा रहा है कि आपकी जांच पड़ताल चल रही है, तो फिर आपने यहां पर टाइप करना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर अपनी इमदाद चेक करनी है, आपकी इमदाद आ चुकी है या नहीं है, ठीक है। शिनाख्ती का नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है और यहां पर कैप्चर देकर फिल करके यहां पर आपने मालूम कर टाइप करना है और आपकी जो माल इमदाद है वो फौरी तौर पर चेक करके आपको बता दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, शिकायत का ऑप्शन है, यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह आप अगर आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आपको 1 घंटा 2 घंटे के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कोड भी रिसीव हो जाएगा, शायद में भी आपको इमदादी मैसेज भी रिसीव हो सकता है। अगर आपको फिर भी इमदादी मैसेज नहीं आता, आपको रजिस्ट्रेशन कोड आ जाता है, तो नीचे आप सामने शिकायत रजिस्ट्रेशन करवाएं का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आए, आने के बाद यहाँ पर अपना नाम दें, नाम देने के बाद नीचे अपना शनाख्ती का मोबाइल नंबर, फिर अगेन मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जमा करवा दें, इंशाल्लाह आपका कंप्लेंट पर फौरी तर्ज अमल किया जाएगा। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलता नेक्स्ट वीडियो में।